ये आ गया पिज्जा। यहाँ पे तो भाई इन लोग को सरप्राइज देने आए थे लेकिन पोपट हो गया, गम उड़ा हो गया। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। गाइस, अरमान ने गाइस कुछ ज्यादा जल्दी कर दी तो इसके बदले मैं बोल देता हूँ। वैसे तो सही बोला, तो अभी प्रैक्टिस कर रहा है ये गाइस। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस, फिलहाल आज है संडे और आज सुबह के बज रहे 11। घर में आज कुछ अच्छा खाना पीना चल रहा है। अच्छा खाना पीना मतलब ये बन रहा है अभी, मतलब बना नहीं है तो बन रहा है। और अरमान को देख रहे हो, एकदम डरा डरा सा लग रहा। डर क्यों जाते हो बोलो? हमको डर लगता है। किस बात का डर? ये गाइस क्या है ना, कैमरे के आगे डर जाता है। अभी प्रैक्टिस नहीं है ना, तो धीरे धीरे लेवल में आ जाएगा। कंफ्यूज हो जाते हैं गाइस के क्या बोले, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस में आ जाएगा, डोंट वरी। इस समय आप मेरे को देख रहे हो ना गाइस, मेरी बॉडी में इस समय फैट बहुत ज्यादा आ गया गाइस। कल से गाइस मैं अपना तगड़ा वाला रूटीन चालू कर दूंगा, एक्सरसाइज से लेके और सबसे पहली चीज खाने पीने का, डाइट का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। हर छोटी छोटी चीज गाइस आप लोग के साथ भी शेयर करूंगा गाइस, जिससे आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी। छोटी छोटी चीजों का मतलब जैसे डाइट से रिलेटेड चीज हो गई, एक्सरसाइज से रिलेटेड चीज हो गई, शॉर्ट वीडियो में भी मिलेगा गाइस और ब्लॉग में तो मिलेगा ही मिलेगा गाइस। तो फिलहाल आपको मैं भी दिखाता हूँ कि घर पे आज क्या बन रहा है। अभी जंक फूड ही बन रहा है, इसको जंक फूड ही बोलेंगे। छोले भटूरे को क्या बोलते हैं गाइस? जंक फूड में ही आता है वो भी। अभी छोले भटूरे आज एक दो खाएंगे, फिर उसके बाद जंक फूड जड़ से खत्म करूंगा गाइस मैं, क्योंकि अब बॉडी को मेंटेन करना है। बहुत उल्टा सीधा खा लिया गाइस, तो अब फालतू में कोई चीज नहीं खाएंगे। और ये देखो कृष्णा भटूरे बना रही है, या दो भटूरे खाऊंगा गाइस मैं आज का। गाइस जो लंच है ना, मैं एकदम देसी स्टाइल में कर रहा हूँ गाइस, अपने किचन में बैठ के, नीचे बैठ के। तो मेरे को क्या है ना गाइस, किचन में बैठ के जब मैं खाना खाता हूँ ना गाइस, तो मेरे को काफी अच्छा लगता है। रियली बता रहा हूँ, जेन्युइनली काफी अच्छा लगता है। काफी अच्छा कृष्णा ने काफी टेस्टी खाना बनाया। और एक चीज और बता दूं, जैसे बाजार में हम लोग भटूरा वगैरह खाते हैं ना, तो वो ऑयली वगैरह ज्यादा होता है। घर के भटूरे खाने में जमीन आसमान का फर्क है, देख रहे हो, बिल्कुल फूला फूला खाजा लग रहा है मेरे को, जो नुमाइश में मिलता है। और गर्म है गाइस अभी, और बिल्कुल भी तेल नहीं इसमें, ये देखो। और खा के मिलता हूँ फिर मैं आपसे। फाइनली गाइस मैंने तो अपना लंच कंप्लीट कर लिया। अरमान से पूछता हूँ कितने इसने भटूरे खाए हैं, कितने भटूरे खाए, सच बताना। पांच, झूठ बोल रहे हो? पांच खाए? इसका पेट इतना छोटू सा है गाइस, ये पांचवा खा रहा है। सच्ची पांच खाए, देखो इधर। हाँ इसने खाए है गाइस, बराबर निकलवाता रहा। Many minutes later. Finally गाइस अपना रेस्ट वेस्ट करके नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ गाइस। तो मैं आर्यन अरमान हम लोग जा रहे हैं यहाँ से एक जगह में, इन लोग को एक सरप्राइज जगह पे लेके जा रहा हूँ। मैंने पिछले ब्लॉग में आप लोग को बताया भी, क्योंकि आज संडे है ना, तो थोड़ा इन लोग को एंजॉय करवाएंगे, थोड़ा अपना भी घूम लेंगे। काम पे लगा दिया, कोई नहीं रहे। फटाफट चलो, आराम से चलना, कटे ना जाना। हम लोग हो गए तो रेडी। जैसे मैंने मोमोज वाली पार्टी, इन लोग का कंपटीशन हुआ था तो मैंने कोई गिफ्ट नहीं दिया, लेकिन इन लोग को कुछ खिलाए पिलाएंगे और पार्टी देंगे गाइस। तो फिलहाल अभी लेके चलते हैं जहाँ पे गार्डन चलेंगे, इन लोग को घुमा फिरा के एंजॉय करवाएंगे, तो पहले वहाँ चलते हैं। फाइनली हम लोग गार्डन पे आ चुके हैं, कंपनी गार्डन। इन दोनों भाई को गाइस स्विमिंग पूल में एंजॉय करवाएंगे, और मेरे को इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा था, तो स्विमिंग पूल सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मेरे को। एक्चुअली में क्या है ना, आर्यन अरमान दोनों को स्विमिंग पूल पानी में, मतलब कहते नहीं ना, स्विमिंग पूल में नहाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो स्विमिंग पूल इनको लेके आते हैं, मैं नहीं नहाऊंगा, इन्हीं दो भाई को नहलाऊंगा। ये बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ तो पानी है ही नहीं। इस वाले में नहाओगे आर्यन? बड़े में? दोनों भाई का मूड ऑफ हो गया। एक्चुअली में भैया बता रहे वो कहीं से लीक हो रहा है, कुछ फूट वूट गया, तो बोले कल सही हो जाएगा। और ये काफ़ी बड़ा है गाइस, इसमें नहाने दूंगा नहीं इन लोग को मैं, क्योंकि गहरा है। सारे बच्चे प्रैक्टिस करते हैं स्केटिंग की यहाँ। यहाँ पे तो गाइस इन लोग को सरप्राइज देने आए थे लेकिन पोपट हो गया, बढ़िया वाला पोपट हो गया। दोनों भाई अरमान को देखो कैसे जा रहा झूला अपना बोरिया बिस्तर लेके फिर वापसी। अरमान स्केटिंग सीखोगे बताओ? स्केटिंग मैं सोच रहा हूँ अरमान को स्केटिंग सिखवा दो, ये सीख जाएगा। अरमान तो सीख लेगा, आर्यन का पता नहीं, आर्यन थोड़ा आलसी है ना। और अरमान जो भी अपना वक्त करता है ना, एकदम खुलेआम करता है, ये शर्माता वर्माता बिल्कुल भी नहीं है गाइस। खैर दोनों भाई के साथ पोपट हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा कहाँ चले, इन लोग से पूछे। यहाँ तो देखो घूम नहीं पाए हो, स्विमिंग पूल में नहा भी नहीं पाए। ये लोग गाइस कपड़े वगैरह भी सब लेके आए थे इसमें, अब क्या करोगे बताओ? बिला दाली चलोगे? हमको नहीं पता।
आर्यन कह रहा बेलाताली लेके चलो, अरमान कह रहा मेरे को पता नहीं कहीं पे भी लेके चलो, लेकिन मेरे को समझ में नहीं आ रहा और कहाँ लेके जाऊँ इन लोग को। स्विमिंग पूल मेरा प्लान था, स्विमिंग पूल इन लोग को लेके चलते, बढ़िया ये लोग अपना इंजॉय करते, मस्त ब्लॉग बनाते, लेकिन कोई बात नहीं, पोपट तो अब हो ही गया। क्या हो गया अरमान? मूड तो खराब हो गया, लेकिन बताया किसको। चलो फिलहाल यहाँ से बाहर चलते और कुछ ना कुछ प्लान बनाते, कहीं लेके चलते इन लोगों को। आराम आराम से खाओ यार, क्या कर रहे हो अरमान, मुंह गंदा कर लिया पूरा। अब गाइस यहाँ से देखो कहाँ जाने का प्लान बनता है। खैर आइसक्रीम मिल गई तो आइसक्रीम खा रहा, और आज काफ़ी ज़्यादा उल्टा सीधा खाना पीना हो गया। फाइनली गाइस इन्हें एक दूसरी जगह पे लेके आ गए, लेकिन आज खुला है इसका गेट, आप लोग समझ गए होंगे हम कहाँ पहुँच गए। फाइनली गाइस हम लोग यहाँ श्रवण देवी पहुँच गए, तो जो सोचा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन किस्मत में कुछ और ही था, तो कोई बात नहीं। ये भी मैं दो तीन बार आप लोग को दिखा चुका हूँ ब्लॉग में, तो गेट ही बंद था यहाँ पे, बाहर दिखा ही नहीं पाया आप लोग को। आर्यन जो है बार बार मेरे को बोल रहा था कि बेलाताली लेके चलो, लेकिन बेलाताली ऑलमोस्ट एक दो बार होके आए तो बोरिंग लगता है, यहाँ पे कुछ आपको नई चीज़ दिखाएंगे गाइस। काफ़ी अच्छी जगह है ये भी, काफ़ी सुकून मिलता है यहाँ पे। शर्मा देवी की सबसे फेमस चीज़ मस्त लग रहा है ना, ये लोग देख के चौंक गए, मज़ा आया। ये लोग भी गाइस फर्स्ट टाइम आए यहाँ पे, क्यों अरमान फर्स्ट टाइम आए ना यहाँ पे, ये देख के चौंक गया गाइस के गोल गोल क्या है। अरे भगवान आए, मैं नहीं मानता। और ये देख रहे हो गाइस ये पूरा गार्डन है यहाँ पे, पूरा उस साइड मंदिर है और ये पूरा गार्डन दिया हुआ है, ये सुकून की जगह लगती है मेरे को। मैं भी गाइस यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ, और बाइक तो हम लोग ऐसे लेके आए, हेलमेट के बिना बाल बाल देखो सब उड़ गए। यहाँ पे बचपन में आया था और बीच में एक दो बार दिखाने की कोशिश करी है, बट वही बात है गेट ही बंद था, यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकते थे। तो आज संडे है, 5 भी बज गए इसीलिए गेट खुला मिला। अभी अंदर तक गाइस गया नहीं हूँ, क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, तो अभी चलेंगे अंदर भी। तो गाइस यहाँ पे चलो थोड़ा फोटो शूट कर लेते, बट यहाँ पे आने का प्लान नहीं था, हम लोग का प्लान कुछ और ही था, बट इमरजेंसी में आना पड़ा। हाँ देखो नरसिम्हा जी की कितनी बड़ी मूर्ति है गाइस, क्या चीज पानी भरेगा बेटा। मैं गाइस यहाँ पे बचपन में आया था, लेकिन रियली आज इतने दिनों के बाद आया हूँ ना, मतलब इतने दिनों के बाद क्या, मैं इतने सालों के बाद आया हूँ ना, तो मेरे को काफी अच्छा लग रहा, सुकून मिल रहा है यहाँ पे, मतलब कोई भी नहीं एकदम, मतलब अच्छी वाइब्स आ रही है गाइस। इन लोग का तो फोटो शूट कर लिया, इन्होंने मेरे से भी नहीं पूछा कि आप फोटो शूट कराओगे या नहीं, इन लोग का पोपट हो गया ना, इसी वजह से मेरे से कुछ चीज पूछ ही नहीं रहे, मैं खुद ही सेल्फी ले लेता हूँ। दोनों भाई को झूला मिल गया, उसको नीचे तो करो तभी तो बैठेगा वो, पहले उसे बैठाओ फिर तुम बैठना, रुको मैं हेल्प करता हूँ, उठ जाओगे रुको। हाँ बैठो, बोले भाई मजे ले रहे, उसके तो पैर नहीं लग रहे, उसको आर्यन ही झुला रहा बार बार, मन तो मेरा भी कर रहा, लेकिन मेरे बैठ के होएंगे नहीं ये दोनों लोग। अरमान को डर लग रहा, आराम आराम से। ये देखो ये भी झूला लगा हुआ है, और ये भी झूले हैं, और वो देखो बच्चे भी झूल रहे हैं, लटका दिया उसको, चोट लग जाएगी। आर्यन अपने वेट का पूरा फायदा उठा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जंगल जंगल है गाइस, इतना कुछ खास तो है नहीं, लेकिन इस साइड क्या है उस साइड चल के मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भी कभी नहीं गया हूँ। अब आर्यन की बारी गाइस, दो आर्यन को डराएंगे। बड़े झूले में बैठता हूँ, इसने अरमान को लटकाया था इसने, और मैंने इसको लटका दिया। गाइस कुल मिला के मज़ा तो काफ़ी आया यहाँ पे, अरमान का यहाँ आके मन ही नहीं भर रहा है, वो छोटे छोटे बच्चे झूल रहे, अरमान उसी के साथ लग गया। इस साइड तो गाइस हम लोग चल दिए, क्योंकि एक भैया ने भी बताया कि आप उस साइड से बाहर निकल सकते हो उस गेट से। देखो पीछे मील भी है, पर ये नहीं पता किस चीज़ की मील है। ये पीछे साइड पूरा मंदिर है, औषधि उद्यान, यहाँ पे हर प्रकार की आपको जड़ी बूटी मिलेगी, इसके अंदर लेकिन जाना अलाउड नहीं है गाइस, तो ताला रहता है और चौकीदार भी रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हर प्रकार की जड़ी बूटी मिल जाएगी, जैसी ज़रूरत वैसी जड़ी बूटी। पहले ब्लॉग में मैंने आपको दिखाया भी था, इस साइड से हम लोग आए थे, ये मंदिर है और ये भी मंदिर है। चलो गाइस शाम काफ़ी हो गई, निकलते हैं यहाँ से। many minutes later और जैसे ही मैं घर पे आया ना, तो घर वालों ने मेरे को काम पकड़वा दिया, अभी गमले में थोड़ी दवाई वगैरह डालनी है, और अरमान देखो पानी ला रहा नीचे से, अरमान का मूड ऑफ हो गया, पानी के लिए कह दिया ये ला रहा।
ना हेल्प करवा दूं। लो थोड़ा और ऊपर, पूरा उठा के लिया यार मन, थैंक यू। गाइस इतने दिन से मौसम खराब था ना, बारिश वगैरह हो रही थी तो पौधों पे इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पानी तो बारिश का ही बराबर पड़ता रहा। तो अब ये मिक्स करके इसमें डालते हैं दवा। गाइस फाइनली अपना पेड़ पौधा का तो काम निपटा दिया, और अरमान आर्यन को मेरे को पिज्जा खिलाना था गाइस, तो पिज्जा तो खिला नहीं पाई, लेकिन मैंने एक काम कर दिया, मैंने घर के लिए ऑर्डर कर दिया गाइस। अब सरप्राइज पार्टी दे दी, जो सोचा था वो तो हो नहीं पाया। पिज्जा आ जाएगा पक्का, नाराज तो नहीं है? पनीर वाला, हाँ पनीर वाला आ जाएगा। A few moments later, गाइस फाइनली आ गया अपना पिज्जा। ये आ गया पिज्जा, पिज्जा पिज्जा, ये खुश हो गया देखो। ये भी बनी है, बुआ तो ये खा रही है, अरमान भी ये खा रहा है, चाचू तो मजे से खा रहे हैं, मेरा तो ये भी रखा एक ये। फाइनली गाइस मैं तो आ गया था अपने रूम में गाइस, और गाइस गर्मी इतनी जबरदस्त वाली गर्मी है ना गाइस, मैं आपको बता नहीं सकता रियली। एक तो यहाँ बादल होते हैं ना गाइस, बहुत भयंकर वाले बादल होते हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है, हल्की बूंदा बारिश होती है बस, बरसात हो गई गाइस। इसीलिए मैं नहा धो के आ गया, और पिज्जा वगैरह भी हो गया, अरमान आर्यन भी खुश हो गए, पार्टी उन लोग को मिल गई गाइस। उन लोग के साथ तो खैर आज पोपटी हो गया, प्लान कुछ और था और हो कुछ और गया, लेकिन ठीक है, नेक्स्ट टाइम देखेंगे कभी। तो गाइस आज का व्लॉग जो भी रहा होगा इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगा गाइस। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा गाइस, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे गाइस। और मिलते अपने नेक्स्ट व्लॉग में गाइस, तो मैं तो जा रहा हूँ सोने, आप लोग भी सोइए। थैंक यू सो फॉर वॉचिंग गाइस, गुड नाइट, बाय एंड टेक केयर।